प्रिंस, बहुत बार हम लोग इस तरह का छोटा म्यूजिक सिस्टम लेते हैं, ब्लूटूथ सिस्टम, और बैटरी के वजह से हम लोग बाद हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तो फिर आज दिखाऊंगा किस तरह से एक बैटरी ट्रांसमिट करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास एक कैबिनेट है, एक ओल्ड कैबिनेट है, जिसके साथ मैं पूरा इसका पार्ट्स ट्रांसमिट करने वाला हूं। और इसका बोर्ड के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, उस बोर्ड को मैं बदलूंगा, साथ साथ अब बैटरी कॉन्फ़िगर में करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। कुछ इस तरह का टेक वीडियो मैं डेली लाते रहता हूं इस चैनल के अंदर। अगर आप इसको खोलने जाइएगा थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, बट बस उतना दिक्कत का बात ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आपको उठाना है और यहाँ पे स्क्रू निकालना है। एक्चुअली इस चीज़ को नहीं मिलता है तो हम लोग तोड़ देते हैं, ये चीज़ नहीं निकलता है तो हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग स्क्रू से इसको खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद जिस तरह से मैं फिट करूँगा सारा डिटेल्स मैं दिखाऊँगा आपको लाइव। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो वायर है, ये जो दो वायर है, ये स्पीकर का वायर है और यहाँ पे है बैटरी का वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो बैटरी है मैं बैटरी आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं एक मोबाइल का बैटरी है, ठीक है, और ट्रांसमिट करने वाला हूँ इस बैटरी को। और इस जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर मैं इसको फिट करने वाला हूँ। कैसे फिट करेंगे सारा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं फिट करने वाला हूँ क्योंकि ये बैटरी बड़ा है, ये बैटरी इसके अंदर आएगा नहीं, इस डिवाइस के अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। अभी जो वायर मैं काटा हूँ ये स्पीकर का वायर है और ये है बैटरी कनेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो बैटरी है ऑलरेडी मैं तैयार कर लिया हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव देख के और बैटरी कनेक्टर लगा लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा यहाँ पे लाइट आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट आ गया है, तो मैं अभी स्पीकर पहले कनेक्ट करूंगा, दो स्पीकर यहाँ पे दूंगा, उसके बाद फिर इसको कनेक्ट करूंगा, ओके। वायर है ये एंटोना वायर है, ठीक है, जो FM कनेक्टिविटी इसके अंदर है, इसका एंटोना वायर ये है। ये ध्यान से रखना है, इसको फेंकना नहीं है। आप सोचिए कि नॉर्मल एक वायर है इसको काट देते हैं, बट ये वो वायर नहीं है, ये एंटोना वायर है, ठीक है। तो ये FM के लिए काम करता है, तो इसके अच्छा से रखना है। और अगर बेटर रहे तो यहाँ से एक दूसरा वायर, अच्छा वायर सोल्डिंग अगर करिएगा तो बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्पीकर है, नया स्पीकर, और ये दो लाइन में मैं जोड़ने वाला हूँ, अभी सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास सोल्डिंग नहीं है, सोल्डिंग मशीन नहीं है इस तरह का, तो आपको दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सोल्डिंग चाहिए क्योंकि सोल्डिंग जरूरी है, नहीं तो आप सोल्ड नहीं कर पाइएगा इसको। आप इसको सोल्ड नहीं भी करते तो यहाँ पे दो वायर है, वायर आपको ध्यान से काटना है। वायर टू वायर अगर आप जोड़ते हैं वो भी लाइन आ जाएगा, बट मैं फिर से सोल्डिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि सोल्डिंग मजबूती अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर कनेक्ट जोड़ता हूँ वायर को वायर से, तो अगर कहीं पे भी टच हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। इसको टेप भी करना पड़ेगा अगर आप तार वायर से वायर जोड़ते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्पीकर का जो लाइन है, स्पीकर के लाइन में दे दिया हूँ, और अभी बैटरी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बोर्ड के साथ, ठीक है। ब्लूटूथ
तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें पावर आ गया है। और ये जो बैटरी है बहुत ही हाई फाई बैटरी है, और अभी इसको चार्जिंग सिस्टम हमको रेडी करना है, तो बहुत ही देख के करना होगा कि चार्जिंग सिस्टम किस तरह से इसका रेडी करें, वो भी मैं बनाऊंगा आपके सामने दिखाऊंगा कि मैं बैटरी तो ये लगा रहा हूँ इसका जो, तो यहाँ पे इसका जो पिन है, यहाँ पे जो पिन है इसका चार्जिंग का, ये पिन तो यहाँ पे नहीं है, बट हमको चार्जिंग तो देना होगा, नहीं तो कैसे यूज़ करेंगे। चार्जिंग पॉइंट भी मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो कैबिनेट है यहाँ पे काटना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी यहाँ पे लगाना है, नहीं तो इसको इस बोर्ड को आप कहाँ रखिएगा, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इसको इसको भी आपको यहाँ पे रखना होगा, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं सारा वायर यहाँ से निकाला हूँ, और ये जो पीछे का जो हिस्सा है, मतलब इस इसके अंदर जो लगा हुआ था इसका जो पीछे पीछे का हिस्सा कुछ इस तरह का है, और मैं यहाँ पे इसको ट्रांसमिट करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं ट्रांसमिट करने वाला हूँ। तो कुछ आपको सेटअप करके देखने देख के बाद ही आपको करना होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरह से होने वाला है, जहाँ पे आपको स्विच भी मिल जाएगा, बटन और चार्जिंग वायर, चार्जिंग वायर भी मैं कहाँ पे कनेक्ट किया हूँ मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट डिज़ाइन आपको देखिए, कुछ इस तरह का डिवाइस होने वाला है, ठीक है। सारा चीज़ मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, बैटरी है इसके अंदर, है स्पीकर मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पर मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर मोड दे रहा हूँ, तो मैं फिर से फ्रेंड्स ये है यूएसबी का एक केबल, कटा हुआ यूएसबी केबल, जिसको मैं प्लस और माइनस दो पॉइंट में ले लिया हूँ, और बैटरी के साथ प्लस एंड माइनस दोनों आपस में लगा दिया हूँ। ये जो वायर यहाँ से अंदर, ये वायर है पतला वायर, ये काला वायर यहाँ से आया है, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगा, देख सकते हैं मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए यही वायर है जो वायर इसके अंदर आया है, ठीक है, यही वायर है और यही वायर अंदर से आया है, ठीक है, यही वायर है, ये वायर को मैं यहाँ पे बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में दे दिया हूँ, ये नेगेटिव है और यहाँ पे एक अलग, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, दोनों आपस में मैंने दे दिए हैं, ठीक है, दोनों लाइन में यहाँ पे दे दी, इसको अंदर डाल रहा हूँ, और अभी इसको मैं फिट करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहले इसको फिट कर लेना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको टाइट कर दिया हूँ, और अभी जो पीछे का जो पोजीशन है मैं इसको अभी यहाँ पे फिट करूँगा और प्ले करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, देख सकते हैं आप। Thank you.
तो फ्रेंड्स मैं डिवाइस को ऑन कर रहा हूँ, साथ ही साथ फ़ोन भी मेरे सामने है, कनेक्ट करूँगा और आपको म्यूज़िक में चला के सुनाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।